महिला की समझदारी से बची बड़ी डकैती की वारदात। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की सबसे पॉश मानी जाने वाली कॉलोनी में आज एक समझदार और बहादुर महिला ने अपने घर को लूटने से उस समय बचा लिया जब हथियार बंद आधा दर्जन लुटेरे उनके घर में घुस गए और उनके परिवार के लोगों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर लूट शुरू कर दी। घर की बहू ने समझदारी दिखाते हुए बदमाशों को खाली हाथ भागने पर मजबूर कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच करते हुए अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अगर इंसान मुसीबत के समय होश से काम ले तो बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना आसानी से कर सकता है, जिसकी बानगी आज मुरादाबाद की पोस्ट कॉलोनी TDI सिटी में सामने आई है। दरअसल घटना शाम 5:30 बजे की है। मंदिर के पास रहने वाले उमेश गुप्ता के घर में 5-6 लुटेरे घुस गए और उन्होंने घर की नौकरानी के साथ ही घर की मालकिन लता गुप्ता को भी हथियारों के दम पर बंधक बना लिया। लुटेरों ने घर में रखे कीमती सामान और रुपयों की मांग करनी शुरू कर दी, वरना गोली मारने की धमकी देने लगे। इन अज्ञात बदमाशों ने घर की बहू का कमरा भी खुलवाने की कोशिश की तो लता गुप्ता ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सावधानी दिखाते हुए घर की बहू ने पुलिस और अपने पति को फोन करने का नाटक करते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तो बदमाशों के पैर उखड़ गए और बिना लूटपाट किए ही भाग खड़े हुए। घर के लोगों की माने तो बदमाश खाली हाथ ही भाग गए, जिसके बाद उन्होंने पूरी घटना की जानकारी पुलिस और आसपास के लोगों को दी और पूरी घटना उजागर हुई। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और पूरे घटनाक्रम की जाँच करते हुए अज्ञात बदमाशों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए बदमाशों को जल्द पकड़ने की बात कही। कुछ नहीं, मैं बच्चों के साथ अंदर सो रही थी, मुझे पता नहीं था। वैसे बच्चे दोपहर में सोते हैं, आज मैंने शाम को सुलाया, शायद ये बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद बहुत तेज किवाड़ी पीटनी शुरू हो गई। मैंने कहा कौन है, बोले कि जल्दी से खोलो वरना हम ना गोली मार देंगे। तो मैंने पहले सब कुछ लॉक कर लिया, एक ही वैसे लॉक करा हुआ था, बट मैंने तीनों लॉक कर लिए, फिर जैसे कहीं गलती से खुल ना जाए। फिर मैंने फ़ोन भी नहीं किया, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि नहीं, मैं 5-6 आदमी घुस गए हैं, आप जल्दी आओ, पुलिस को बुलाओ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, फिर मैंने बराबर में नेबर को कॉल किया, तब जाकर वो भाग गए। उन्हें लगा कि पुलिस आ जाएगी शायद, इसलिए भाग गए। 6:30 हो रहे होंगे, क्योंकि मैं उस टाइम सो रही थी, मुझे नहीं पता। मैं बच्चों के साथ, मैं मम्मी और मेड बस, और बच्चे थे मेरे साथ बस। हाँ जी, पुलिस आई, वो लोग भाग गए थे बाहर, सब लोग कॉलोनी में सब लोग थे, उन लोगों ने सबने देखा भागते हुए गाड़ी से, होंडा सिटी थी शायद, सब बता रहे हैं, तो शायद उसी से भागे होंगे। कोई सामान नहीं गया, वो लोग भाग गए। लता गुप्ता। क्या हुआ आज? आज गेट पे से मेड जो है सामान अंदर लेके आ रही थी, कपड़े वगैरह, तो एक आदमी ने मतलब घंटी बजाई तो वो आ गया पीछे, बोला हमें आंटी से बात करनी है। तो मैंने कि क्या बात करनी है, तो इतने में से और आ गए, उसने मेड को दबा लिया और फिर बाद में पीछे से मुझे दबा लिया। पिस्तौल थी, बंदूक 5 थे, 4 के पास तो हथियार थे। 5:30 बजे थे उस समय, मैं थी, बहू बच्चे को सुला रही थी, मेड थी। शोर नहीं मचाया मैंने, जो है मेरे जो धक्का मार के यहाँ ले आए, फिर सब सामान वामान इधर उधर फैलाया, फिर बोले एक और आदमी था, वो बोला बदमाश के ये दरवाज़ा हो रहा है, इसे खुलवाते हैं, तो उन्होंने उसे खुलवाने की कोशिश करी, तो मैंने की कि भाई खोलना मत दरवाज़ा। मैं काफ़ी तेज़ चीखी, मैं कि जैसे ये बहू सुन ले, तो मैंने की दरवाज़ा मत खोलना भैया, इन्हें छोड़ दो, छोटे बच्चे हैं, रहने दो। तो बोले कि हम तुम्हें मार देंगे अगर दरवाज़ा नहीं खुलवाया तो। तो मुझे बहुत बुरी तरह से दबा रखा था, मेरा दम घुट रहा था, सांस फूल रही थी बहुत। तो वो एक बोला कि इसे तो ख़त्म कर दो, तो इतने में उसने अंदर चटकाई लगा के, मैंने कि फ़ोन कर दे, तो उसने फ़ोन करे तो ये भाग गए सब। गाड़ी नहीं पता कौन सी, देखी नहीं। हाँ हाँ, सुला रही थी बच्चों को, तो वैसे दिन में सोते हैं बच्चे, आज इस समय उनके नाना नानी आए हुए थे तो देर से सोए थे बच्चे। आसपास के लोग आ गए? हाँ, फिर आसपास के लोग आ गए, सभी लोग आ गए। फिर कैसे हुई, मतलब बदमाश कपड़े
पहनने से बदमाशी लग रहे थे। हाँ, 30-35 के आसपास होगी ये सब। हाँ, दाढ़ी बड़ी हुई थी एक आध की तो, और बाकी काफ़ी हट्टा कट्टा से थे। क्या काम होता है लोगों को, क्या लगता है आपको? एक्सपोर्ट होता है। घर में कोई जेंट्स नहीं? नहीं, जेंट्स नहीं। 5:30 तो क्या कोई लूट वगैरह कोई चीज लेके गए हो या ऐसे? नहीं, कुछ नहीं लेके गए। ये 5 मिनट करीब रहे थे, 5-7 मिनट रहे थे। टीडीआई सिटी में लूट का प्रयास किया गया बताया जा रहा है, बदमाश आके उसके मकान में, क्या पूरा मामला है और क्या कुछ रहा बिना बदमाश की पहचान हो पाई है? देखिए, लगभग 5:30 बजे की घटना है। उमेश चंद गुप्ता का निवास है 2062 शिव मंदिर के पास में, TDICT। तो वो घर पे नहीं थे, उनकी वाइफ थी और उनकी बहू और बेटे थे। ये लगभग पाँच आदमी बता रहे हैं, होंडा सिटी गाड़ी थी बिना नंबर की, उससे लोग आए और इन्होंने खटखटाया और उसमें, और महिला ने जो उनकी नौकरानी थी उसने दरवाज़ा खोला है और उसके बाद वो चली गई। तो ये लोग लगभग 2-3 मिनट अंदर गए, इन्होंने पूछा कि भाई कहाँ बक्से हैं, आपका सामान कहाँ है, पैसे कहाँ, इस तरीके से। तो उनकी पत्नी है वो चिल्लाने लगी तेज से कि फ़ोन करो। तो इस अब बस इतना जब वो चिल्लाने लगी तो ये लोग फिर लौट के अपना घर से बाहर निकल चले गए। कुल 2-3 मिनट ये लोग रुके हैं घर के अंदर, कोई सामान नहीं ले गए हैं। तो सूचना पुलिस को मिली तो हम लोग, पुलिस गई है वहाँ पर मौके पर और हम लोगों ने उनका मुकदमा लिख दिया है थाना सिविल लाइन्स में, डकैती लूट डकैती का प्रयास, धारा 398 में मुकदमा हम लोगों ने पंजीकृत कर दिया है। क्या कुछ पुलिस को सुराग मिल पाए? नहीं अभी तो हम लोगों ने गए थे मौके पे, अब हम लोग देखेंगे, कुछ कैमरे वगैरह हम लोग चेक किए हैं, उसमें 4-5 आदमी दिख रहे हैं, बाकी उनकी पहचान की जाएगी और हम लोग उसको वर्कआउट करेंगे। थैंक यू।